हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद विद्या एंड मिकी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को कोई रेसिपी नहीं है, बहुत ही अच्छा तरीका नारियल निकालने का तरीका बताऊंगी। तो ये देखिए, छठ का हमारा नारियल था घर पर, तो मैंने सोचा कि चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो बस इसको पहले निकालेंगे, तो इसमें कुछ जान नहीं होता है, तो इसे इस तरह निकाल लेंगे हाथों से। ये देखिए, अब इसमें तीनों छेद होते हैं, तो सब दो हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है, तो चेक करते हैं कि कौन सा सॉफ्ट है। तो ये देखिए, इस तरह करने से ये देखिए इसमें आसानी से हमारा घुस गया है। इस तरह का कोई भी पिलास लोहे का अगर होगा तो आप उसको लेकर इस तरह होल करेंगे। ये होल करने के बाद पानी को अच्छे से हमें निकाल लेना है। एक छन्नी लेंगे और एक कप लेंगे, इस तरह पानी को इसके अंदर इस तरह निकाल लेंगे। मैं आपको दो तरह से किस तरह से नारियल निकालते हैं मैं दो तरह से आपको बताऊंगी, दोनों ही आसान है। तो ये पानी निकल गया है, इसे साइड कर लेंगे और इसे पानी को यूज कर लेना है। आप फेस पैक पे भी लगा सकते हैं। अब इसे क्या करना है, इस तरह इसके अंदर रखना है और इसे गैस पर चढ़ाना है। अब हम गैस लेंगे और उसे ऑन कर लेते हैं, और गैस के फ्लेम को हमें लो ही रखना है और इस तरह हमें इसे अच्छे से जला लेंगे। इसका जितना भी हमारा देख रहे हैं ना, वो हमें काला कर लेना है एकदम अच्छे से। गैस के फ्लेम को तेज ही रखेंगे और इसके जितने भी बाल हैं सभी को काला कर लेना है। चारों तरफ से घुमा घुमा के हमें इस तरह से जला लेना है। ये ऊपर वाला ही पार्ट जलेगा, आप अगर सोच रहे हैं कि अंदर वाला पार्ट जल जाएगा, देखिए हमारा अच्छे से जल चुका है, सभी बाल जितना भी था सब जल गया है। तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब नारियल को क्या करेंगे, कोई भी टॉवल ले लेंगे और इस तरह टॉवल की सहायता से इस तरह लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह हम चारों तरफ मारेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए, मारते मारते हमारे ये निकल चुका है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ये देखिए। आप कहेंगे कि ये देखिए जला नहीं है, ये ऊपर का हमारा अंदर का भाग है, आसानी सब निकल जाएगा ये सभी। तो ये देखिए, मेरा नारियल बहुत ही अच्छे से निकल चुका है, सारा निकल गया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। मुझे भी पहले नहीं आता था, तो मैंने भी इस तरह का तरीका सीखा, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी वीडियो बता देती हूँ। तो बस ये वाला हो गया, अब सेकंड मेथड बना लेते हैं। तो चलिए, किस तरह नारियल को हमें अच्छे से निकाल लेना है, कोई दिक्कत के साथ नहीं निकलेगा, ये आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये इसका जो ये रहता है छिलका, इसे किस तरह निकालेंगे, तो आप घर में पेचकस रहता है, बस इसे थोड़ा सा ढीला कर लेना है इस तरह, और उसके बाद हाथों से इसे अच्छे से हमें, ये देखिए आसानी से निकल जा रहा है हमारा ये। ये देखिए इस तरह, अब इसमें तीन छेदा होता है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं जो एक सॉफ्ट होता है। तो ये देखिए, सॉफ्ट नहीं है, ये भी नहीं है, तो चेक कर लेते हैं कौन सा है। इस तीनों में से कोई तो सॉफ्ट रहता है जो हमारा अच्छे से चला जाएगा। ये वाला एक देखिए हमारा सॉफ्ट दिख रहा है, तो इसे हम अंदर तक पूरा इस तरह चारों तरफ से हमें इस तरह एक होल बनाना है, ताकि हमारा पानी जो है अच्छे से निकल जाए। ये देखिए, होल आपको दिख रहा है, तो ये अच्छे से होल हो चुका है। तो अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। कोई भी एक बर्तन लेंगे और इस छन्नी ले लेंगे और इस तरह पानी हम देखिए गिराएंगे, तो पानी हमारा यूज हो जाता है, आप पी भी सकते हैं, और नहीं तो आप ब्यूटी टिप्स में भी नारियल का पानी बहुत काम आता है। तो इस नारियल में बहुत ही पानी है, आधा कप तो जरूरी निकल जाएगा। तो ये देखिए, सारा पानी हमारा निकल चुका है, मैं आपको दिखा दूँ कितना पानी निकला है। ये देखिए,
इतना सारा पानी निकल चुका है हमारा नारियल का, तो आप इसे यूज में ला सकते हैं, इसे साइड में रखेंगे। अब इसे निकालने का तरीका क्या है बताते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए जो इस तरह लंबा लंबा रहता है, ये देखिए इस तरह, इस पे ही हमें मारना है। ये देखिए जो निशान बना रहता है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो लंबा लंबा रहता है ना, इसी पे हमें हथौड़ी से मारना है। ये देखिए इसके ये इस पार्ट पर भी हमें अच्छे से मारना है। क्रैक आना चाहिए इसमें। तो ये देखिए ठोकते ठोकते हमारा अच्छे से, ये देखिए दो भाग में बट चुका है। अब इसे आसानी से निकालने के लिए हमें क्या करना है, 15 मिनट के लिए इसे फ्रीजर में रख देंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए फ्रीजर से मैंने 15 मिनट के बाद इसे निकाल लिया, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि हमारा निकलता है कि नहीं आसानी से। और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। तो ये देखिए एक तरह निकाल के देख लेते हैं, तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारा नारियल निकल गया है। इसी तरह सारा हम निकाल लेते हैं। ये देखिए आसानी से इस तरह निकल जाता है, फ्रीजर में थोड़ा देर रखेंगे तो आसानी से ये निकल जाता है। ये देखिए इस तरह करने से कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, आराम से निकल जाता है। पहले नारियल निकालने में बहुत दिक्कत होता था, इस मेथड पे करेंगे तो आपका नारियल आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए आसानी से निकल जाता है, कोई दिक्कत होता ही नहीं है। तो ये देखिए आसानी से ये हमारा निकल जाता है। मैंने सारा नारियल इसी तरह आसानी से निकाला है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से निकाला है, कोई झंझट नहीं किया है, बस थोड़ा सा ठोकना है, उसके बाद फ्रीजर में 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सारा नारियल हमारा निकल गया है। आप इसे अच्छे से धो लें। तो आपने देखा मैंने कितनी आसानी से दोनों तरह से नारियल निकाल लिया है, उस दोनों में जो दोनों मेथड हमने बताया है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुआ है और बहुत ही आसानी से हो गया है। आप चाहें तो मिनटों में अब नारियल को छुड़ाने के लिए कोई झंझट नहीं, मिनटों में आप इसे छुड़ा सकते हैं। और नारियल का बहुत सारा चीज़ बनता है, लड्डू बनता है, आप चटनी भी बना सकते हैं और आप इस तरह भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें ताकि हमारा वीडियो आगे तक जाएगा। तो इसी तरह आसान सी और बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेके आती हूँ और आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।